ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है एटीपी यानी कि एनर्जी जो हमारी बॉडी यूज़ करती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का एक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ए यूज़ करके बनता है ए और एन प्लस यूज़ करके बनता है एन और एन रिजल्ट में बनता है पायरुवेट एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एन प्लस बनता है फिर से और ग्लाइकोलाइसिस चलता रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट चेन ऑफ रिएक्शन है तो ऑक्सीजन के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता है जब हमें एनर्जी तो चाहिए लेकिन ऑक्सीजन कम है तब एन प्लस बनाने के लिए पायरुवेट से बनता है लैक्टेट और इस रिएक्शन के दौरान एन से एन प्लस बनता है और ये एन प्लस की वजह से फिर से ग्लाइकोलिस कंटिन्यू हो सकता है ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी के बावजूद हम ग्लाइकोलाइसिस चला सकते हैं